माननीय सभापति जी, आज 19-20-21 के बजट में विभागवार जो वाद विवाद है उसमें भाग लेने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे शिक्षा पर विशेष रूप से मैं अपने को केंद्रित रखूंगा, बहुत आपके निर्धारित समय में ही बोलने की कोशिश करूंगा। मैं जो देश का बजट हो या बिहार राज्य का बजट हो, वह कोई विकसित बजट नहीं होता है, आर्थिक विकसित बजट नहीं होता है, विकासशील बजट होता है, और बिहार का भी वही है। ऐसे बजट निर्माण में विजन का ज्यादा महत्व होता है, दृष्टि का। इसके पूर्व भी जब मैंने बोला था महामहिम राज्यपाल के भाषण पर, तो मैंने इसका उल्लेख किया था। तो जो उपलब्धि और दृष्टि, तो दृष्टि जो होती है उसका, मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि दृष्टि का ज्यादा महत्व है, और दृष्टि से दीर्घकालिक आर्थिक व्यवस्था आती है। यह जो बिहार सरकार ने बजट पेश किया है उसमें विजन की प्रधानता है, दृष्टि की प्रधानता है। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास को, उसके भूगोल को, उसकी संस्कृति को, उसके पौराणिक कथाओं को आप दिन रात सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। यहां सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उसको देखने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान करने में कहीं ना कहीं भूल हो गई, कहीं ना कहीं एक खास समाज का बहुसंख्यक वर्ग छूट गया, जिसने हिंदुस्तान की शैक्षणिक व्यवस्था पर हमेशा वो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहा। मध्यकाल को आप जब देखेंगे वहां भी वो दृष्टि दिखाई पड़ेगी, भेदभाव वाली दृष्टि, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, और नहीं पढ़ने के दुष्परिणाम भी इस हिंदुस्तान को भोगने पड़े हैं। अगर यह देश प्रारंभिक अवस्था से भेदभाव नहीं रहता तो जो हमारे देश पर आक्रमण हुए उसका सामना पूरा देश किया होता। कभी भी यह हिंदुस्तान एक होकर नहीं लड़ पाया। इसमें मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि शिक्षा के प्रति जो हिंदुस्तानी समाज की जो दृष्टि थी वह भेदभाव पर आधारित थी। इसके बाद और जब भी इन चीजों को जिन लोगों ने समझा, आधुनिक समाज में 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहले ज्योतिबा व फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई ने समझा, और उसने समझा, उन लोगों ने समझा कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं गया, जिसके कारण हमारा आधा समाज अशिक्षित रहा और उसका विकास जिस ढंग और तरीके से होना चाहिए नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने, सावित्री बाई फूले ने स्त्रियों के लिए पहली बार स्कूल खोला पुणे में। इसके बाद से हम आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कोल्हापुर में साहू महाराज ने, जब शिक्षक का वेतन मात्र 12 रुपया था, तो उन्होंने 1,00,000 रुपये का प्रावधान शिक्षा पर किया, और गरीब लोगों को, दलित लोगों को, वैसे लोगों को जिनको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया गया था उन्होंने ध्यान दिया, जिसके कारण उस समय का जो समाज था वह ज्यादा आधुनिक और उचित बना। उस समय बिहार जो मुंबई प्रांत था उसमें गुजरात और कर्नाटक वगैरह सब मिले हुए थे, और मुंबई प्रांत को भी यह व्यवस्था करनी पड़ी। आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो हमारा जो यह शिक्षा का बजट है, आप देखेंगे कि मैंने ये पृष्ठभूमि आपको दी कि क्यों शिक्षा पर बजटरी प्रावधान ज्यादा करना आवश्यक है।
वह समाज आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है अगर वह शिक्षित नहीं है तो। हमारी बिहार सरकार ने शायद इन सारी चीजों को ध्यान में रखा होगा, बजट बनाने वाले लोगों ने, और इन लोगों ने इसको गंभीरता से लिया होगा कि बिहार जो है उसमें अगर किसी कारण से एक बड़ा तबका जो लिख पढ़ नहीं पाया उसको पढ़ाने की का एक दृढ़ संकल्प इस बजट में दिखाई पड़ता है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने इसका उल्लेख किया है और कहा कि किनारे पड़े हुए थे, ये पूरी लंबी परंपरा है। तो माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो यह बजट पेश किया गया है उसमें मध्यकाल से लेकर साहू महाराज से लेकर ज्योतिबा फूले से लेकर वो पूरी परंपरा दिखाई पड़ती है और उसी परंपरा में ये बिहार का गौरव, बिहार की शिक्षा के प्रति इनकी दृष्टि दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस बजट में ऐतिहासिकता है, सामाजिकता है, सांस्कृतिक संपन्नता है। एक लंबे दौर में शिक्षा को कहां ले जाना है और इसका दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसीलिए उनको जो लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे थे उनको मुख्य धारा में लाने वाला यह बजट है और इसीलिए यह इस देश में बिहार राज्य का शिक्षा का जो बजट है उसमें ये सबसे पहली विशेषता इसकी मुझे यही दिखाई पड़ती है। ये पहला राज्य है जो 2005 के बाद 20% शिक्षा पर खर्च करने वाला पहला राज्य है और सन 12 से 360 से 65 करोड़ रुपए दलित, महादलित, अल्पसंख्यक पर खर्च किया गया है। तो इस दृष्टि से यह देश का पहला राज्य मैं इसे मानता हूं और इस निष्कर्ष के आधार पर मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। कुछ लोग, मैं कुछ बातों का इसमें उत्तर भी देना चाहूंगा या उसको स्पष्ट और साफ भी करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मध्याह्न भोजन जो है वो कटोरा लेकर बच्चा जाता है और पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि गांधी जी के जब स्वराज नाम की पुस्तक को पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि जिसके पेट भरे नहीं रहेंगे, जो पेट से भूखा होगा उसके लिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए जब हमारी सरकार न्याय के साथ विकास में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, पिछड़ा वर्ग के छात्रावास के प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रावास अनुदान, 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रति माह देने की योजना चल रही है तो आपको लगता होगा कि ये कोई छोटा काम हो रहा है। समझने की दृष्टि का प्रश्न है। गांधी ने इस बात को हिंद स्वराज में कहा था कि अगर इस देश को शिक्षित करना चाहते हैं आप तो पहले उसके पेट को भी भरना होगा। ये सारी जो गांधीवादी दृष्टि है इस बजट में दिखाई पड़ती है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ जो दूसरी बात दिखाई पड़ती है जिसकी तरफ मैं संकेत करना चाहता हूं कि यहां एक अक्षरांचल नाम की योजना चल रही है जिसमें दलित, महादलित, अल्पसंख्यक वर्ग के ही पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं। उसमें तालिमी मरकज, टोला सेवक या शिक्षा सेवक अब कहा जा रहा है, इसके माध्यम से पूरी शिक्षा व्यवस्था में वैसे लोग जो लिखते पढ़ते नहीं थे और जिनका उल्लेख मैंने एक लंबी परंपरा में मैंने दिखाने की कोशिश की है उनको शिक्षित करने का काम किया गया है। इसीलिए यहां जो बच्चों के नामांकन की दर है
वह देश में जो सबसे पीछे थी वो एनडीए की गवर्नमेंट में 99% चली गई है। यह एक इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता मैं इसे मानता हूं। यही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आर्थिक हल युवाओं का बल, जैसे हमारे पास मानव संसाधन बहुत ज्यादा, हाथ बहुत हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनको यूं ही हम बाहर भेज दें? हमारे पास जनसंख्या का जो घनत्व तो है उसके कारण जमीन नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, तो जो हाथ हैं उनको प्रशिक्षित करना, ऐसे कुशल लोगों को प्रशिक्षण देना कि वे कंप्यूटर सीख सकें, वे अंग्रेजी सीख सकें, वे भाषा सीख सकें, वे व्यवहार सीख सकें। आप जब हम लोग शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, लड़का आता है नामांकन के लिए तो पॉकेट में हाथ डाले रहता है, पैर पर पैर चढ़ाए रहता है। हम चाहते हैं कि इसको, ये जो हमारी योजना है आर्थिक हल युवाओं का बल, इसमें निश्चित स्वयं सहायता भत्ता 4,14,510 युवाओं को 497,10,00,000 रुपए इसमें वितरित किए गए हैं। इससे काम यह हुआ है कि वह लड़का अब जाकर दिन रात शारीरिक श्रम और खटने का काम नहीं करेगा, बल्कि वह अंग्रेजी जानेगा और एक भरोसामंद विद्यार्थी होकर, छात्र होकर, कुशल युवक होकर वो बाहर जाएगा और उसको सम्मान मिलेगा बाहर और वो पैसा कमा के इस राज्य को भेजेगा। आर्थिक स्थिति हमारी एक लंबी परंपरा है और दीर्घकालिक परंपरा है, एक दिन में इसका रिजल्ट आने वाला नहीं है, परंतु यह जो बुनियादी ढांचा बजट में बनाया गया है, ये देखने में आपको लगता होगा इसका तत्काल तुरंत कोई परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है। तत्काल परिणाम निकले या नहीं निकले, परंतु बिहार में जो बहुत दिनों की जो एक जड़ता है उस पर चोट करने की कोशिश एनडीए गवर्नमेंट ने इस बजट के माध्यम से किया है। अब समापन की ओर बढ़ें। समाप्त करना है सर? जी जी, संक्षेप किया जाए। दूसरी बात, एक मैं तुरंत समाप्त करूंगा, एकदम सभापति जी की बातों का पालन करूंगा। इसके साथ मैं चाहता हूं कि शिक्षक जो है वह शिक्षा का अंग है, वह आज के दिन में आक्रोशित है, दुखित है और पक्ष विपक्ष और सरकार सबको मिलकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, तुरंत जो हड़ताल चल रही है उसका समाधान हम लोगों को निकालना चाहिए। मैंने जो एक लंबे दौर में बातें कही हैं, तो हमारी सरकार बड़ा लक्ष्य रखती है, बड़ा काम करना चाहती है, उसमें इस तरह की, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक इसके बाद से मैं, हो सकता है कि मेरी सलाह बहुत सटीक न हो, परंतु इस पर विचार करना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना, एक बात जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, देखिए बिहार की जो शिक्षा अकादमियां थी जन भाषाओं की, मैथिली की, भोजपुरी की, अंगिका की, या केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट था, इससे बिहार की बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, इन तमाम संस्थाएं देश में बड़ी प्रतिष्ठा